नमस्कार दोस्तों, तो यहाँ पर एक और प्रोडक्ट आ चुका है अपने पास रिव्यू के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला प्रोडक्ट है, तो हम इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये है मोबी लाइफ का 4-in-1 ट्राइपॉड सेल्फी स्टिक। तो आज के इस वीडियो में हम इसका ही रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पर ये इसका बॉक्स देख सकते हो, इसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर ट्राइपॉड सेल्फी स्टिक स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पर आपको स्टेनलेस स्टील का मटेरियल देखने को मिल जाता है इसके अंदर। उसके बाद में आपको 95 सेंटीमीटर का मैक्सिमम इसके अंदर लेंथ देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आपको 360 रोटेशन, रिमूवेबल इसका ब्लूटूथ शटर बटन और ये ट्राइपॉड भी बन जाती है। तो यहाँ पर ये 4-in-1 ट्राइपॉड सेल्फी स्टिक देखने को मिलती है अपने को। तो इसके अंदर आपको एक्सटेंडेड वारंटी का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। आप इस QR को स्कैन करके इसकी वारंटी है वो भी आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो इसके यूजेस मेथड दिए गए हैं पूरे, और ये साइड में इसके मॉडल नंबर दिया गया है, इसका वेट दिया गया है। तो इसका वेट जो है वो 183 ग्राम है, 5 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पर इसका जो मटेरियल है वो ABS मटेरियल है। तो अभी हम इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो हम बॉक्स के अंदर हमें एक ये यूजर मैनुअल मिलती है। तो यहाँ पर इसके अंदर दिया गया कि कैसे आप इस मोबी लाइफ के ट्राइपॉड सेल्फी स्टिक को यूज कर सकती हो, कैसे कैसे यूज कर सकती हो और इसके क्या क्या फीचर्स वगैरह हैं, तो वो सब हम आगे वीडियो में देखेंगे ही। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। उसके बाद में अपनी मेन सेल्फी स्टिक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी कॉम्पैक्ट और काफी कंफर्टेबल भी लग रही है मेरे को हाथ में, और इसका वेट वो भी ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे इस मोबी लाइफ के सेल्फी स्टिक के बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो काफी कॉम्पैक्ट सेल्फी स्टिक देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर जो सेल्फी स्टिक है उसके यहाँ पर सामने आपको मोबी लाइफ की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद में जो सेल्फी स्टिक है ये पूरे ही प्लास्टिक बिल्ड में आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्फी स्टिक काफी सॉलिड बिल्ड के साथ में आती है। जो इसका ये पूरा मटेरियल है ये पूरा ही ABS प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है, इसके अंदर गुड क्वालिटी प्लास्टिक यूज किया गया है, यहाँ पर बिल्कुल भी चीप प्लास्टिक नहीं है। उसके बाद में आप देख सकते हो अंदर इसे जब एक्सटेंड करते हो, यहाँ पर अंदर के साथ साइड में आपको ये जो स्टेनलेस स्टील देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर रस्ट प्रूफ है और यहाँ पर काफी सॉलिड है, यहाँ पर ये बिल्कुल भी बेंड वगैरह नहीं होगा। तो यहाँ पर ओवरऑल इसका जो बिल्ड क्वालिटी है काफी सॉलिड देखने को मिलता है इसके अंदर। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो मोबाइल होल्डर है वहां पर भी आपको रबर के पैडिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आपको एक स्लॉट टाइप में देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपका फोन है, काफी अच्छी तरीके से और काफी टाइटली यहाँ होल्ड रहता है। और ऊपर की साइड में भी आपको रबर की पैडिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको ऊपर और नीचे दोनों ही साइड में रबर की पैडिंग देखने को मिलती है जिसका आपका फोन वगैरह उसके ऊपर भी स्क्रेचेस नहीं आते, और आपका फोन है काफी अच्छे से और टाइटली यहाँ पर होल्ड रहता है। इसको आप जो है ट्राइपॉड भी बना सकते हो। तो यहाँ पर आप जब इसे ट्राइपॉड बनाते हो तो नीचे देख सकते हो ये पूरा इसके नीचे हनीकॉम जैसा एक डिजाइन बना के रखा है जिससे इसको अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है। तो यहाँ पर आप इसे ट्राइपॉड बना के कोई अपना फोन वगैरह लगाते हो तो यहाँ पर काफी अच्छे से स्टेबिलिटी के साथ में ये नीचे है ट्राइपॉड को स्टेबल रखता है। उसके बाद में आप जब इसे ट्राइपॉड बनाते हो तो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको रबर के पैडिंग देखने को मिलती है जिससे आपका जो ट्राइपॉड काफी स्टेबिलिटी के साथ में और विद द ग्रिप यहाँ पर सरफेस के साथ में कॉन्टेक्ट में रहता है, तो यहाँ पर ये स्लिप वगैरह नहीं होता है। और जब आप इसे होल्ड करते हो एज ए सेल्फी स्टिक तो यहाँ पर काफी अच्छे से इसकी ग्रिप वगैरह वो मिलती है, और ये ज्यादा हेवी भी नहीं है, काफी लाइट वेट है। तो काफी अच्छी तरीके से आप इसे जो है अपने हाथ में होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर इसके जो आर्गोनॉमिक्स है काफी अच्छे हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको इसके अंदर एक रिमूवेबल रिमोट भी मिलता है जिसे आप फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो, उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। ओके, सो अभी हम बात करेंगे इस सेल्फी स्टिक के लेंथ के बारे में, और जब इसे एज ए ट्राइपॉड यूज करते हो तो उसकी स्टेबिलिटी वगैरह कैसी रहती है पूरा हम यूज करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्फी स्टिक अभी ये फोल्डेड है, तो इसकी जो लेंथ है वो पूरी 7.4 इंचेस की है। तो यहाँ पर काफी कॉम्पैक्ट साइज देखने को मिल जाती है और काफी लाइट वेट भी है, तो इसलिए यहाँ पर आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हो, कहीं भी ट्रेवलिंग वगैरह करते हो तो इसे इजी टू कैरी बन जाता है इसकी कॉम्पैक्ट साइज और लाइट वेट की वजह से। और यहाँ पर आप इसे जब एक्सटेंड करते हो तो इसकी लेंथ देख सकते हो आप, इतनी कुछ इसकी लेंथ है वो हो जाती है। तो यहाँ पर आप जब इसे एक्सटेंड करते हो तो इसकी लेंथ है वो 37.8 इंचेस की बन जाती है। तो यहाँ पर काफी अच्छी खासी इसमें लेंथ देखने को मिल जाती है आपको। उसके बाद में आप देख सकते हो इसे आप नीचे से जो है इसे एज अ ट्राइपॉड भी यूज कर सकते हो। तो आप इसे देख सकते हो इसे इस तरह से कुछ नीचे रख सकते हो, और उसके बाद में ऊपर जो इसके सेल्फी स्टिक है उसे एक्सटेंड कर सकते हो या फिर नीचे कर सकते हो। उसके बाद में इसका ये जो मोबाइल होल्डर है उसे आप लैंडस्केप, पोर्ट्रेट या फिर कौन से भी डायरेक्शन में जो है लॉक कर सकते हो। यहाँ पर ये 360 रोटेट होता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये एक यूनिक डिजाइन का स्क्रू मिलता है जिसे आप लूज करके जो है इसका जो एंगल है वो पूरा चेंज कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर ये पीछे इतना कुछ जाता है, उसके बाद में लॉक हो जाता है, और यहाँ पर आप अगर सामने या फिर ऊपर कुछ शूट करना चाहते हो तो इतना ये पूरा नीचे तक आ सकता है। दोस्तों भी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ये मेरे फोन को सेल्फी स्टिक के ऊपर लगा के रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हो इतना फोल्ड हो चुका है। तो अगर आपको क्लोजअप शॉट लेना है तो ऐसे आप ले सकते हो, और उसके बाद में अगर आपको एक्सटेंड करना है इसको पूरा तो यहाँ पर आप इसको इतना कुछ लंबा एक्सटेंड कर सकते हो। उसके बाद में आप ऐसे व्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हो या फिर खुद भी ट्रेवलिंग वगैरह के लिए यूज़ करना चाहते हो वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो। देखो आप अभी कितनी लंबी हो चुकी है, तो इसका जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग चालू इसके अंदर वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपको जो एरिया ऑफ व्यू आता है पीछे का कितना वाइड दिखता है वो भी आपको दिखा दूंगा मैं। तो दोस्तों उसके बाद में आप इसको ट्राइपॉड भी बना सकते हो। आप नीचे से इसको क्या करना है ऐसे इसको निकाल लेना है, तो ट्राइपॉड है उसको, और यहाँ से इसको स्क्रू को जो है लूज करके फ़ोन को सीधा कर लेना है। और अभी देख सकते हो ये ट्राइपॉड बन चुका है, अभी आप इसे कहीं पर भी रख सकते हो अगर आपको स्टेबल शॉट्स वगैरह लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपको कुछ शॉट लेना है कि यहाँ पर आप कुछ डांस का वीडियो शूट कर रहे हो या फिर आपको कुछ स्टेबल शूट कर रहे हो तो उस जगह पर आप जो है
इसे अपने फोन को ट्राइपॉड के ऊपर इसे लगा सकते हो और शूट कर सकते हो। देख सकते हो कितना स्टेबल जो यहाँ पर वीडियो आ रहा है। इसके अंदर मैं जो इसका सैंपल है वो भी दिखा दूंगा आपको साइड बाय साइड। तो यहाँ पर ये जो सेल्फी स्टिक है काफी बढ़िया, आप इसे ट्राइपॉड के जैसे यूज कर सकते हो और यहाँ पर आप इसे सेल्फी स्टिक के जैसे भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे इसके डिटेचेबल रिमोट शटर के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बटन है इसे आप रिमूव भी कर सकते हो अपनी सेल्फी स्टिक से। और यहाँ पर इसके पीछे आपको एक बैटरी देखने को मिलती है, ये बैटरी रिप्लेसेबल है। तो उसके अंदर एक सेल डलता है, वो सेल आपको कहीं भी स्टेशनरी शॉप के ऊपर आसानी से मिल जाएगा, उसे आप रिप्लेस कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो बटन है वो यहाँ पर कंपनी ने मेंशन किया कि ये 20,000 से ज्यादा फोटोज वगैरह क्लिक कर सकता है। तो यहाँ पर आप बिंदास इसे काफी लॉन्ग टाइम तक जो इसे यूज कर सकते हो, उसकी जो बैटरी इतना जल्दी खत्म नहीं होगी। उसके बाद में जो ये ब्लूटूथ रिमोट है इसकी रेंज है वो 10 मीटर है। तो यहाँ पर 10 मीटर दूर से भी आप जो फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो, कुछ भी आप ग्रुप सेल्फी या फिर ग्रुप फोटो लेते हो तो उस जगह पर आप इस बटन को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इसका जो रिमोट है इसे आप अपने फोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो। आपको इसे कनेक्ट करने के लिए इसका जो रिमोट का पावर बटन है उसे होल्ड करके रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन लाइट आ चुकी है। उसके बाद में आप अपने फोन का जो है वो ब्लूटूथ ऑन करना है आपको। उसके बाद में आपको नीचे सर्च करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने मोबाइल लाइफ सेल्फी दिखा दिया है। तो ये इसका मोबाइल लाइफ के नाम से रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मोबाइल लाइफ सेल्फी ये यहाँ पर कनेक्टेड है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरे फोन से जो है डायरेक्टली कैमरा से फोटोज वगैरह वो क्लिक कर सकता है। तो यहाँ पर मैं इसमें जैसे ही फोटोज वगैरह क्लिक करूंगा तो क्लिक हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फोटोज है डायरेक्टली इससे क्लिक हो रहे हैं। ऐसे ही आप जो वीडियोज वगैरह है वो भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ पर देखो मैंने जो वीडियो शुरू कर दिया तो शुरू हो चुका है, और अभी मैं जो है वीडियो बंद कर देता हूँ तो यहाँ पर बंद भी हो चुका है। तो इस तरह से ही आपके फोन के साथ में कनेक्ट होकर वर्क करता है। ओके सो दोस्तों अभी हम बात करेंगे सेल्फी स्टिक के पूरे कंक्लूजन के बारे में। आपने पूरा वीडियो देख ही लिया होगा कि अभी आपको जज कर सकते हो कि आप इसे सेल्फी स्टिक को बाय करना चाहते हो या फिर नहीं। तो यहाँ पर मेरे कंक्लूजन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर ये जो सेल्फी स्टिक है काफी सॉलिड इसकी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर ये मोबाइल लाइफ ब्रांड की तरफ से आती है। जब भी आप कोई भी सेल्फी स्टिक सर्च करते हो अमेजोन के ऊपर तो आपको सबसे पहले मोबाइल लाइफ के ही प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो इसे आप सेल्फी स्टिक की तरह यूज कर सकते हो, ट्राइपॉड के जैसे यूज कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियोज वगैरह क्रिएट करना है, आपको व्लॉगिंग करना है, ट्रेवलिंग के लिए यूज करना है या फिर आप स्टेबल वीडियोज वगैरह शूट करना है तो आप इसे ट्राइपॉड बना के यूज कर सकते हो और सेल्फी स्टिक के जैसे भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर ओवरऑल ये मोबाइल लाइफ की सेल्फी स्टिक का काफी बढ़िया, आप इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। अगर आप उसे बाई करना है तो इसकी लिंक और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली जाके बाई कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।